अब हम लर्न करेंगे एनालिसिस जेब्रा कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एनालिसिस जेब्रा कमांड को यूज करने के लिए हम सरफेस टैब में जाएंगे एंड एनालिसिस पैनल से हम सेलेक्ट करेंगे एनालिसिस जेब्रा, या फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडो के अंदर टाइप कर सकते हैं एनालिसिस जेब्रा एंड देन वी कैन स्टार्ट अवर एनालिसिस जेब्रा कमांड। एनालिसिस जेब्रा कमांड हम यूज करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, दो सर्फेसिस के बीच में किस तरह की कनेक्टिविटी है, पॉइंट कनेक्टिविटी है या फिर टेंजेंट कनेक्टिविटी है। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे सर्कल क्रिएट करता हूँ एंड दो सर्फेस मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और उनको एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। मैं यहाँ पे सर्फेस में आता हूँ एंड देन एक्सट्रूड दिस सर्कल्स लाइक दिस वन एंड मैं यहाँ पे पैच लगाता हूँ, सेट द अपर आर देन प्रेस एंटर। यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे पॉइंट पोजिशन कनेक्टिविटी, देन प्रेस एंटर, पॉइंट कनेक्टिविटी होगी यहाँ पे एंड देन नेक्स्ट इज योअर टेंजेंट कनेक्टिविटी, देन प्रेस एंटर। नाउ वी वांट टू चेक इट कि इसके अंदर पॉइंट कनेक्टिविटी है या फिर हमारे पास टेंजेंट कनेक्टिविटी है। अब हम लेंगे यहाँ पे एनालिसिस जेब्रा कमांड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट द फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस एंड देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे मुझे जेब्रा स्ट्रिप्स दिखा रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, दीज आर दर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट मीन्स दिस वन इज योअर पॉइंट कनेक्टिविटी। ये सरफेस अलग डायरेक्शन में है और ये सरफेस अलग डायरेक्शन में क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगेन मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, देन प्रेस एंटर। नाउ सी, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक के साथ अटैच है, व्हाइट व्हाइट के साथ अटैच है, मीन टू से जो इन दोनों सर्फेसिस के बीच में कनेक्टिविटी है टेंजेंट कनेक्टिविटी है। तो इस तरह से हम एनालिसिस जेब्रा कमांड को यूज कर सकते हैं।